हेलो फ्रेंड, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी दे रहे हैं शहर में शुरू करें वैन सेवा। शहर में वैन सेवा द्वारा स्कूल के बच्चों और ऑफिस के लोगों को लाने ले जाने का काम करके प्रति माह हजारों रुपए की इनकम कर सकते हैं। वैन सेवा आप किसी भी छोटे बड़े शहर और कस्बे में शुरू कर सकते हैं। आपके पास वैन है तो आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास वैन नहीं है तो आप बैंक से लोन लेकर वैन खरीद सकते हैं या फिर प्राइवेट वैन किराए पर लेकर वैन सेवा शुरू कर सकते हैं। शहर में वैन सेवा दो तरह से कर सकते हैं। इन दोनों तरीके के बारे में वीडियो में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक सुने। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा सुने। इसके बाद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा आज शहर में सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की। यह समस्या शहर में बनने वाली नई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए और भी बढ़ जाती है। वहां तक ना तो कोई बस सेवा है और ना ही कोई ऑटो। कई कॉलोनियों में तो लोगों को कई किलोमीटर आने के बाद किसी तरह की बस या ऑटो की सुविधा मिलती है। इस समस्या से बचने के लिए अनेक लोगों ने कार या बाइक ले ली है, लेकिन उन्हें ऑफिस एरिया में पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार कार या बाइक ऑफिस से दूर पार्किंग करनी पड़ती है। समस्या फिर वही, 1-1.5 किलोमीटर चलकर जाओ। इसी तरह से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की समस्याएं हैं। माता पिता यदि दोनों कामकाजी हैं तो बच्चे को स्कूल पहुँचाने के लिए उन्हें स्कूल बस का सहारा लेना पड़ता है। लगभग सभी स्कूलों में इनकी स्कूल बसें होती है। कई स्कूलों में यह सेवा प्राइवेट बस द्वारा किया जाता है। प्राइवेट बस या ऑटो रिक्शा वाले एक रूट के लिए आवश्यकता से अधिक बच्चे भर लेते हैं। कई बार उनकी लापरवाही का खामियाजा बच्चे और उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। कई शहरों में स्कूल बसें तो है, लेकिन यह उनके घर से काफ़ी दूर पर स्टॉप होता है। खासकर नई कॉलोनी में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। जहां स्कूल बसें नहीं है, ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेते हैं। पेरेंट्स ना चाहते हुए भी प्राइवेट ऑटो या वैन में बच्चों को भेजना पड़ता है। एक साथ बहुत सारे बच्चों को वैन में भरकर ले जाने से बच्चों में भी अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। अनकम्फर्टेबल तरीके से रोजाना घंटों भर सफ़र करने से बच्चे थक जाते हैं। उनके ग्रोथ व माइंड पर भी असर पड़ता है। आगे चलकर बच्चों में कई तरह के शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा रहता है। बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक सेवा देने के लिए आप वैन सेवा शुरू कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए वैन सेवा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क करना होगा और एक स्कूल के या फिर एक रूट पर पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें, वैन में उतने ही बच्चों को सिलेक्ट करें जितने उसमें आराम से बैठ सकते हैं। यह तो थी छोटे स्तर पर बिजनेस को शुरू करने की बात। अब बात करते हैं इस बिजनेस को बड़े स्तर पर कैसे करें। इस बिजनेस को आप बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो 8-10 वैन की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप चाहे तो स्वयं ही 2-4 वैन खरीदकर या किराए पर लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस के बढ़ने पर आप वैनों की संख्या और बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वैन नहीं है और ना ही आपके पास इतनी बड़ी रकम है कि आप 2-4 वैन खरीद सकें, फिर भी आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आइए देखें आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को कम पूंजी में शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सर्विस की एक अच्छी सी वेबसाइट व ऐप तैयार करवाएं। एक कंप्यूटर या लैपटॉप, स्मार्टफोन और नेट की मदद से ऑफिस में बैठे बैठे इस बिजनेस को सुचारू रूप से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जो वैन खरीदने में सक्षम है या जिनके पास वैन है या जो वैन किराए पर देना चाहते हैं। इनके साथ कॉन्टेक्ट करके कमीशन बेस पर उन्हें अपना पार्टनर बनाकर बिजनेस में शामिल करें। इस तरह से आपके पास 8-10 वैन हो जाएंगे। अब इन सभी वैन में GPRS लगा दें। ऐसा करने से आपको इन सभी वैन के लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। यदि कोई निश्चित रूट से अलग जा रहा है
तो आप उससे इसका कारण पूछ सकते हैं। अब आप शहर में वैन सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन वैन को शहर के एक एक इलाके में सेट कर दें और उनके आने जाने का रूट तय कर दें। अब आप दो तरीके के कैटेगरी बनाएं। पहला सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने का और दूसरा ऑफिस जाने वाले लोगों का। वैन सेवा में सुबह के समय बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वैन फ्री हो जाती है। इस दौरान आप ऑफिस जाने वाले लोगों से संपर्क कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर 10 बजे के दौरान गाड़ी की कमी, बसों की भीड़ से बचने के लिए लोग बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं। यदि उन्हें समय पर घर से ही वैन मिल जाए तो वे इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। इस तरह से वैन पहले बच्चों को स्कूल छोड़ेगी, इसके बाद वो ऑफिस जाने वालों को उनके ऑफिस तक पहुंचाएगी। दोपहर में बच्चों को स्कूल से घर पर छोड़ेगी और फिर शाम को ऑफिस से लोगों को लाकर उन्हें अपने घर तक पहुंचाएगी। स्कूल व ऑफिस की छुट्टी के दिनों में वैन को पिकनिक के लिए या सैर सपाटे के लिए किराए पर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक वैन को सुबह से शाम तक 4 शिफ्ट में चलाकर प्रतिमाह 1000 रुपये की इनकम कर सकते हैं। बिजनेस टिप्स। शहर में वैन सेवा शुरू करना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। टाइमिंग की थोड़ी भी गड़बड़ी से आपकी सेवा फेल हो सकती है। सभी वैन में GPS जरूर लगा दें, जिससे आपको उनके लोकेशन का पता चलता रहेगा। साथ ही बच्चों के पेरेंट्स को भी वैन के लोकेशन का पता घर बैठे ही चलता रहेगा। वैन चलाने के लिए अच्छे प्रशिक्षित ड्राइवर रखें। उनका स्वभाव शांत और व्यवहार कुशल हो। वैन में उतने ही बच्चे या ऑफिस के लोगों को ले जितने उसमें आराम से बैठ सकते हैं। एक वैन में एक ही रूट के स्कूल के बच्चों को ले जाए ताकि समय की बचत हो। इसी तरह ऑफिस ले जाने वाले लोगों को भी ले जा सकते हैं। प्रतिदिन घर से बच्चे के वैन में बैठने पर उसकी एंट्री करें। स्कूल छोड़ते समय उनके नाम के आगे टिक लगाएं। रजिस्टर मेंटेन रखने से ड्राइवर और आपको जानकारी रहेगी कि आज वे कितने बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं। इससे स्कूल से लाते वक्त उन्हें पता रहेगा कि कौन सा बच्चा वैन में सवार हुआ है और कौन अभी भी बाकी है। बच्चों के साथ छोटी सी भी लापरवाही किसी बड़ी समस्या को जन्म देती है, इसलिए पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जब भी वो वैन में बच्चे को बिठाए रजिस्टर में उसका नाम जरूर दर्ज करवाए। अब सवाल उठता है कि इससे महीने में कितनी इनकम होगी। वैन सेवा में बच्चों को लाने और ले जाने की फीस स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस से कुछ अधिक होगी। जागरूक माता पिता अपने बच्चे की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जहां स्कूल में प्रतिमाह 500 से 800 रुपये वसूल किए जाते हैं, वहीं आप इसे 1000 रुपये से 1500 रुपये तक ले सकते हैं। ये फीस आप अपने शहर के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी रख सकते हैं। वैन की फीस डेली की बजाय मंथली ले, फीस एडवांस में ले। कई बार लोग माह के अंत में देने की बात करते हैं और समय पर नहीं देते हैं, इससे आपको परेशानी होगी। यदि आप बड़े स्तर पर वैन सेवा शुरू कर रहे हैं तो अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जिनके पास वैन है। उन्हें अपना टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से बता दें और एग्रीमेंट पर साइन जरूर करवाएं, ताकि बाद में पैसे के लेन देन को लेकर परेशानी ना हो। यदि आप सिर्फ उनके वैन को अपने बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं, तब भी आप उन्हें अपना टर्म्स एंड कंडीशन बता दें, क्योंकि वैन और ड्राइवर उनके होने पर कमीशन का रेट और सिर्फ उनका वैन होने पर कमीशन का रेट अलग अलग होगा। ड्राइवरों को रख रहे हैं तो उन्हें मंथली बेस पर रखें। वैन सेवा शुरू करने पर परमिट जरूर लें, इससे गाड़ियों की जांच के दौरान आपको परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, वैन सेवा का बिजनेस मॉडल कुछ कुछ ओला और उबेर के बिजनेस मॉडल की तरह है। इसमें कुछ ट्रिक्स लगाकर इसे तैयार किया गया है। हमें उम्मीद है आपको यह बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, साथ में आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बिजनेस से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए बिजनेस मंत्रा ब्लॉग और बिजनेस मंत्रा वेबसाइट देख सकते हैं। इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट साइट पर पहुंच सकते हैं। बिजनेस मंत्रा चैनल पर बताए गए बिजनेस से संबंधित जानकारी
व अन्य जानकारियों के लिए तथा किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट व ऐप बनाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।